पर उनमें से तकरीबन 500 चैम्बर एक मीटियोर के टकराने के वजह से बर्बाद हो चुके थे, जिनमें से एक लिस का भी चैम्बर था। यानी कि लिस के लिए ये बात क्लियर था कि वो नहीं बचेगी। सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ऑक्सीजन, जिसमें एलिजाबेथ यानी कि लिज नाम की एक लड़की खुद को एक क्रायोजेनिक चैम्बर में कैद पाती है, लेकिन उसे ये याद नहीं होता कि वहाँ वो कैसे पहुंची और ना ही उसे ये पता होता है कि वो असल में है कहाँ। पर आखिर में जब उसे ये पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, तब वो उसके बारे में जानकर पागल सी होने लगती है, क्योंकि वो जिस क्रायोजेनिक चैम्बर में थी वो असल में खुले स्पेस में मंडरा रहा होता है, जिसके वजह से वो चाह कर भी उस चैम्बर को खोल नहीं सकती थी, जो कि उसके मुश्किलों को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि उस चैम्बर का ऑक्सीजन गिरकर 5% तक पहुंच चुका था। हालांकि इस मूवी के शुरुआत में लिस के ये सब सिचुएशन इतना सीरियस टर्न नहीं लेते, बल्कि जब ये मूवी शुरू होता है तब हमें लिस अचानक से ककून के अंदर जागते हुए दिखती है, जहाँ उसके बॉडी में कई सारे तार के अलावा सिरिंज भी लगा होता है, जिनको वो अपने बॉडी से निकालने के बाद वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो ना निकल पाने के वजह से धीरे धीरे पैनिक होने लगती है। पर उसके थोड़ी ही देर बाद लिस के मोशन के वजह से वो चैम्बर एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मेडिकल इंटरफेस ऑपरेटर माइलो एक्टिवेट होते ही सिस्टम को फेल बताते हुए उस चैम्बर का ऑक्सीजन लेवल बताता है, जो कि तब होता है 35% पर। वैसे तो लिस फिर भी पैनिक होना बंद नहीं करती, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, खास करके तब जब उसे कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक कि खुद का नाम भी नहीं। पर इस दौरान जब माइलो बातों बातों में क्रायोजेनिक्स का नाम लेता है, तब वैसे ही लिस को कुछ याद आता है, जिसमें वो एक हॉस्पिटल को देखती है, जिसके वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो एक हॉस्पिटल में है, इसलिए लिस वहाँ से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए चिल्लाती है, पर उसे कोई भी नहीं सुन पाता, और देखते ही देखते ऑक्सीजन का लेवल और भी कम होकर 34% पर आ जाता है, जिसका वार्निंग सुनने के बाद लिस खुद को शांत करने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि अगर उसके क्रायोजेनिक चैम्बर में कुछ प्रॉब्लम है तो यकीनन इसके बारे में किसी को जरूर पता चला होगा, जो कि बहुत जल्द उसको वहाँ से निकालने आता ही होगा। इन शॉर्ट, माइलो ऑलरेडी उस चैम्बर के फेलियर के बारे में रिपोर्ट भेज चुका था, जो कि रिसीव तो हुआ था, पर कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दे रहा था, जिसके बारे में माइलो से जानने के बाद लिस फिर से पैनिक होने लग जाती है। पर इस दौरान एक बार फिर से उसे अपने बारे में कुछ याद आता है, पर आखिर वो सब क्या है ये सब उतना क्लियर नहीं होता, खास करके तब जब उसको अपना नाम भी याद नहीं था, इसलिए वो इन सब से तंग आकर आखिर में माइलो से उस चैम्बर को खोलने के लिए बोलती है, पर माइलो इस कमांड को नॉट रेकमेंडेड बताकर लिस को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब माइलो किसी कमांड को इग्नोर नहीं कर सकता था, तो ऐसे में माइलो उस चैम्बर को खोलने के लिए मान जाता है, लेकिन आखिर में माइलो उस चैम्बर को इसलिए नहीं खोलता क्योंकि उस कमांड को ऑथराइज करने के लिए जो कोड उसे चाहिए था वो लिस के पास नहीं था, इसलिए लिस वहां से बाहर निकलने के लिए दूसरा तरीका अपनाते हुए माइलो के जरिए पुलिस को फोन करती है, जिनसे कनेक्ट होने के बाद लिस उस पुलिस ऑफिसर को अपने सिचुएशन के बारे में बताते हुए उस चैम्बर का सीरियल नंबर भी देती है, ताकि वो उसे ट्रैक कर सके। पर अब जब लिस को अपने बारे में ही कुछ याद नहीं होता, तो ऐसे में पुलिस के लिए लिस को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि लिस पुलिस को उस कॉल को ट्रेस करके उसका लोकेशन जानने को बोलती है, पर अब जब ये काम उसके हद से बाहर का था, तो ऐसे में वो पुलिस वाला लिस को उसके सीनियर ऑफिसर से बात करने को बोलता है। पर इससे पहले कि वो पुलिस वाला खुद के सीनियर से लिस को कनेक्ट कर पाता, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। हालांकि लिस फिर से उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जरूर करती है, पर उसका कॉल ही नहीं लगता, इसलिए वो खुद को अकेला समझकर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन है, जिसके बारे में वो जानने के लिए माइलो से अपना DNA स्कैन करवाकर अपने बारे में जानने की कोशिश करती है, जो कि वो कर ही रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है, जो कि उस पुलिस ऑफिसर के सीनियर यानी कि कैप्टन मोरो का होता है, जो लिस से ये कहता है कि वो जिस चैम्बर में फंसी हुई है वो उस चैम्बर के मैन्युफैक्चरर के हिसाब से 3 साल पहले ही खराब हो चुका है। इनफैक्ट लिस को कैप्टन मरो से कोई भी अच्छा खबर नहीं मिलता, जिसके वजह से वो इमोशनल होकर फोन काट देती है। हालांकि इस दौरान वो कब अपना होश खो देती है ये भी उसे याद नहीं होता, लेकिन जब तक उसे होश आता है तब तक ऑक्सीजन लेवल घटकर 22% तक गिर चुका था, इसलिए ऐसे में वो मदद के लिए किसको कॉल कर सकती है ये जानने के लिए वो माइलो के जरिए अपने बारे में सब कुछ देखती है।
जहां उसे ये पता चलता है कि वो क्रायोजेनिक्स के ही एक साइंटिस्ट है, यानी कि वो कंपनी जिसने उस चेंबर को बनाया था। इन शॉर्ट लिजिए समझ जाती है कि उसे वहां पर फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। खैर इन सभी के दौरान वो अपने पति लियो को भी देखती है, जिसको देखते ही उसे अपने पति के बारे में काफी कुछ याद आने लगता है, इसलिए वो मदद के लिए लियो को कॉन्टेक्ट करती है। पर उस कॉल का जवाब लियो नहीं बल्कि देती है कोई मिस्टीरियस औरत, जो ये कहते हुए कॉल काट देती है कि वो उसे दोबारा फोन ना करे, जिसके वजह से लिज दोबारा फ्रस्ट्रेटेड होकर उस चेंबर को अंदर से खोलने का नाकाम कोशिश करती है, जो कि चल ही रहा होता है कि उसे फिर से कैप्टन मोरो की तरफ से कॉल आता है, जो लिज को ये बताता है कि वो उसे ढूंढने के बहुत करीब है। पर जैसे लिज अपने पति लियो को ढूंढने की बात करती है, वैसे ही कैप्टन ये बताता है कि उसके फाइल में लियो नाम का कोई भी शख्स नहीं है, यहाँ तक कि वो रिकॉर्ड्स के मुताबिक शादीशुदा भी नहीं है। जिसको सुनते ही वो कैप्टन को गलत साबित करने के लिए फिर से अपना प्रोफाइल चेक करती है, पर उसमें लियो का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि लिज ने कुछ देर पहले लियो को वहां पर देखा था। इन शॉर्ट इन सब के वजह से कैप्टन लिज को ये मानने पर मजबूर कर देता है कि वो सब एक वहम है। पर इस दौरान लिज जैसे ही कैप्टन को बैकग्राउंड में किसी से बात करते हुए सुनती है, उसे वैसे कैप्टन पर शक होने लगता है, जो कि यकीन में तब बदल जाता है जब कैप्टन इसे भी एक वहम बताता है। इसलिए सच को जानने के लिए लिज कॉल काट देती है और उस कॉल के रिकॉर्डिंग को गौर से सुनती है, जिसको सुनने के बाद उसे ये पता चलता है कि अभी तक कैप्टन मोरो जो भी कह रहा था वो दरअसल वो किसी के कहने पर कह रहा था, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी लिज को एक और कॉल आता है। हालांकि लिज उसे कैप्टन का कॉल समझकर उठाती है ये जानने के लिए कि आखिर वो उससे क्या चाहते हैं, पर उस कॉल को करने वाली दरअसल वही मिस्टीरियस औरत होती है जिसने कुछ देर पहले कॉल को काट दिया था। इन शॉर्ट लिज उससे कनेक्ट होने के बाद सीधा लियो से बात करवाने को बोलती है, पर जैसे वो औरत ये कहती है कि लियो मर चुका है, लिज वैसे ही उसका झूठ समझकर गुस्से से फोन को काट देती है। लेकिन जैसे ही वो औरत फिर से फोन करती है, लिज तब सिर्फ एक ही शर्त पर उसके बात को सुनने को राजी होती है कि उसे उसके बदले में उस चेंबर को खोलने का कोड देना होगा, जो कि उस औरत के लिए पॉसिबल इसलिए था क्योंकि उस औरत ने भी उस चेंबर को बनाने में मदद किया था, इसलिए वो औरत वो कोड दे देती है। पर वो भी माइलो की तरह ही चेंबर को खोलने से मना करती है। इन शॉर्ट लिज को फाइनली ये पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, यानी कि स्पेस में पृथ्वी से 40,000 मील दूर, जो कि दरअसल उस ग्रुप का हिस्सा होती है जिनको पृथ्वी से 14 लाइट ईयर्स दूर दूसरे ग्रह पर रहने के लिए भेजा जा रहा था, क्योंकि पृथ्वी एक वायरस के वजह से खत्म होने लगा था जिसमें उसका पति लियो भी शामिल था। इन शॉर्ट ये सफर 34 साल का होने वाला था। खैर इन सब के अलावा वो औरत लिज को ये भी बताती है कि वो अब तक जितने भी ऑफिसर से बात कर रही थी वो दरअसल वहाँ के मिनिस्ट्री के लोग थे, जो बस लिज के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट इस बात को दबाए रख सके कि लोगों को दूसरे ग्रह पर भेजा जा रहा है, जो कि चल ही रहा होता है कि वो कॉल भी कर जाता है क्योंकि मिनिस्ट्री के लोग पृथ्वी पर उस औरत को भी पकड़ लेते हैं। हालांकि वो जाते जाते लिज को वो तरीका बताकर जाती है जिससे वो ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को खत्म कर सके, जो कि फिलहाल लिज के लिए सबसे जरूरी था क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिरकर 11% तक पहुंच चुका था। पर लिज चाहे जो भी कर ले वो ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, इसलिए वो हार मानकर माइलो को एक बार फिर आत्महत्या करने के लिए चेंबर को अनलॉक करने के लिए बोलती है। पर तभी उसे वो बात याद आता है जो उस औरत ने पकड़े जाने से पहले कहा था, जो कि था लियो को ढूंढो। इन शॉर्ट इसके वजह से लिज को माइलो से ये पता चलता है कि वो जिस मिशन का भी हिस्सा है उसमें टोटल 10,000 चेंबर शामिल है, इसलिए ये देखने के लिए कि वो कहाँ है माइलो लिज के चेंबर का फिल्टर ऑफ कर देता है। हालांकि इसके वजह से लिज अपने चेंबर के अलावा बाकी चेंबर को तो पाती है, पर उनमें से तकरीबन 500 चेंबर एक मीटियोर के टकराने की वजह से बर्बाद हो चुके थे, जिनमें से एक लिज का भी चेंबर था, यानी कि लिज के लिए ये बात क्लियर था कि वो नहीं बचेगी। पर वो जाने से पहले लियो को एक मैसेज देने के लिए उसे उन चेंबर्स में ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि लिज लियो के मिलने से बहुत खुश तो होती है, पर इस दौरान वो लियो के उस घाव के निशान की ओर गौर करती है जो कि उसके पुराने फोटोज में तो था पर फिलहाल उसके चेहरे पर नहीं था, इसलिए लिज इस बात को समझने के लिए कि आखिर ये सब क्या है वो अपने पुराने वीडियो क्लिप्स को गौर से देखती है, जिसको देखने पर उसे जो पता चलता है उस पर उसे भी विश्वास नहीं होता। इन शॉर्ट
जो उस वीडियो में बूढ़ी हो चुकी थी वो असल में वही थी, यानी कि जो लिस चेंबर में कैद होती है वो असल में असली लिस का क्लोन होती है। यहाँ तक कि लियो भी, जिनको असली लिस ने इसलिए बनाया था ताकि वो उस जिंदगी को एक साथ जी सके जिसको वो पृथ्वी पर नहीं जी पाए थे। पर ये सब सच है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए लिस माइलो से उस औरत का नाम पूछती है जिसने उसको कॉल किया था। जहाँ डेटाबेस को चेक करने पर माइलो को ये पता चलता है कि वो कॉल असल में असली लिस ने किया था, लेकिन इसको सुनने के बाद क्लोन वाले लिस बर्दाश्त नहीं कर पाती। हालांकि वो अब भी जिंदा रहने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन अब जब ऑक्सीजन सिर्फ 3% ही बचा होता है तो ऐसे में उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए माइलो तभी उसे हाइपर स्लीप में जाने को बोलता है जब तक वो दूसरे डिस्ट्रॉयड चेम्बर्स में से ऑक्सीजन उसके चेम्बर में ट्रांसफर ना कर दे। पर इस दौरान प्रोटोकॉल के वजह से लिस को उन सभी तार और सिरिंज को अपने अंदर वापस डालना पड़ता है जिनको लिस ने कुछ देर पहले ही निकाला था, जिसके बाद माइलो लिस को एक बार फिर से ककून में डालकर उसे हाइपर स्लीप में भेज देता है। जिसके बाद हमें इसके अगले सीन में लिस और लियो दोनों के क्लोन को ही उस नए प्लेनेट में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मूवी भी आकर खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।